अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है 15 टॉप हेल्थ केयर इश्यूज ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। इन साउथ एशियन कंट्रीज में जो ममालिक शामिल हैं उसमें सबसे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान शामिल हैं। अब अगर बात करते हैं टॉप 15 हेल्थ इश्यूज की, तो उसमें सबसे पहले आता है मलेरिया। मलेरिया के बाद टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, इसके साथ साथ डेंगू फीवर, कैंसर, स्कीमिंग हार्ट डिजीज यानी IHD जो कि हार्ट से मुंसलिक है, इसके अलावा स्ट्रोक और डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, HIV एड्स है, मेटरनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रंस हैं, इसके अलावा एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, साथ साथ एस्थमा है, डायरिया जो कि आमतौर पे बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जा रहा है साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर, और मेंटल हेल्थ इशूज़ है। अब ये इश्यूज जो हैं जो कि साउथ एशियन कंट्रीज में हैं, ये क्यों हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो इकोनॉमिकल कंडीशन है, और साथ साथ ये कि तकरीबन अराउंड 200 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि गुर्बत की शरह से भी नीचे आते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, और अगर उनको कोई भी डिजीज डायग्नोस हो जाती है तो उसको सही से क्योर नहीं कर पाते हैं। दूसरा इशू जो है वो ये है कि इन ममालिक के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटलाइजेशन है वहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ और फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं, और नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी कम हैं। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर मज़ीद डिटेल डिस्कशन जो है वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। विद दिस थैंक यू सो वेरी मच।